यमडी म्यूजिक फिल्म्स चैनल के वीडियो देखे खातिर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन के दबाएं। तहसीलदार प्रजापति बा एमडी म्यूजिक के सौजन्य से पुनः मैं एक भक्ति रस का गाना आप लोगों के सामने प्रेषित कर रहा हूं बाबा। और मुझे आशा और विश्वास है कि मेरा यह गाना आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा बाबा। देखें आप लोग देखते हुआ कि दुर्गा जी का सवारी सिंह भगवान भोलेनाथ के नंदी बैल विष्णु भगवान के गरुड़ ये तरह से सबकर सवारी है तो मैं गणेशो जी के सवारी छोटा सा मूस हो। लेकिन गणेश जी के विवाह आप लोगों के सामने प्रस्तुत बा। अरे मोर रामा हो राम करने शादी चले गणे मनहर सिद्ध शंभु में गिरिजा खुशी मिले गिरिधि सिद्धि पतोहा प्रजापति विश्वरूप कि दोनों कन्याओं रिद्धि सिद्धि का विवाह गणेश जी से तय हो चुका है। बाबा नौवा पंडित तिलक चढ़ा के आ गए लहलन और इधर निश्चित तिथि पर भगवान भोलेनाथ बरात के तैयारी करत हुए तो हो के देवता बराती चले पाट पाती हूँ लसी देख छाती फूल लखत है अखलसी से पलसी भूत प्रेत छलसी अशिवनमती सरसी गरजत है गणेश भेष मुख सहेश गजेश चढ़े मूस पर शिव दरसत है खड़ी सस भाग उमा चढ़ी बढ़ी कढ़ी अब चढ़े बैल समधि अबेद हसत है भगवान भोलेनाथ बरात के साज सज्जा अपन निमंत्रण के द्वारा करत हुए लेकिन एक गजल का नमूना बा और ये गजल का नमूना आप लोग अभी कौनो बिरह में ना सुन ले हो बा बड़ा अच्छा भाव हो बाबा कि आए फूलों की रानी बहारों की मलिका होश में
गाना में भी बड़ा बेजोड़ भाव कवि जी दिल। अरे वेद यो पुराणों में क्या क्या लिखा है, इशारों पे चलना इशारों पे गिरना। संभलना यह जब बात है भैया। भगवान भोलेनाथ बारे भोलेनाथ कैसन परात सजावट हो तर देखे लगल खाटी भोजपुरी के मास्टर बाबा बाबा आइयो तर्जवा देखा खोजले पर ना मिली जल्दी सुन ला लो भैया तो सब कि अरे निर्मल राताया जोरी आए बाबा अरे साजी के बरतिया भोला कैले तैयारिया हो पैताल तो जनते हैं आप लोग की भगवान भोलेनाथ के साथी हूँ मैं बाबा। लेकिन भैया कि अरे जौने के मुँह नाही जौने के अखियो नाही जौने के मुँह नाही जौने के अखियो नाही जौने के मुँह नाही जौने के अखियो नाही ऊ का करे हर टुकुर टुकुर ताक कर बात हे भोले बाबा ताक कर बात हे भोले बाबा ताक कर बात हे
विशेषता रहे जौने के गोड़वो नाही जौने के हथवो नाही जौने के गोड़वो नाही जौने के हथवो नाही जौने के गोड़वो नाही जौने के हथवो नाही जौने के हाथ गोड़ना बा तू छटक बरात से कुलहिन से सबसे आगे रहे अरे कूदी कूदी रह सबके साथ हे भोले बाबा भगवान भोलेनाथ बैल पर चढ़ करके अपन बरात लेके चल देते और गणेश जी भी महीना भर पहले ही से अपन घट्ठा छोड़ा के पूरा तैयार कि नहीं हमारे बियाह हो खे जाते लेकिन भैया अब विश्व रूप के नगर में मंगल गाती नार सब अब प्रेम मुदित हरसाए बरात यहाँ से चल देते शोरगुल सुनाई देते अक्सर देखल जाला कि सखियां जो हैं वो पहले जो है बारात दूल्हा देखने के लिए आती हैं लेकिन एक तर्ज लग गल भैया मेला घूमनी का ऐ तर्ज आप लोगन के अब नहीं है सुने के मिलत हुई बाबा अरे चला हो सखी देखियाई अरे चला हो सखी देखियाई अरे देव घर के मेला चला हो सखी देखियाई देव घर का मेला चला हो सखी देखियाई देव घर का मेला चला हो सखी देखियाई देव घर का मेला हो देव घर का मेला चला चला हो सखी देखियाई कैसन बरतिया चला हो सखी देखियाई पंडित जाय के हुल्ला कह देले रहलन की अरे दूल्हा के बाप तो एकदम विचित्र बा दूल्हा भी वही टाइप के बा अरे कवनी नगरिया बाबा जोरे लाही I'm not afraid to die.
सोच के जाते नौवा पंडित के बतौले के अनुसार तेरी के भाव में लगल का मास्टर। आए हे अरे बरतिया आइल नोखे कर सखी, अब बरतिया आइल नोखे कर सखी, तब पिथला कैसन होई है तुम्हारा कैसू रतिया। बरतिया आइल दावत थी कि हे भगवान कैसन दुल्हा हो तनी देख ले जा देख आंख, लेकिन जब देखत बाड़ी तो बरात नग चाय लेनी दुल्हा आगे आगे रहला कहीं दुल्हा का पते ना बा। तो भैया एक तर्ज लग गई फिल्म कहो यारे चढ़ गया ऊपर रे, चढ़ गया ऊपर रे आकरिया पलोटन कबूतर रे। खबर राजा तक पहुंच गई कि बरात में दुल्हा न लौकत बा। एक जानी बाण त बुढ़वा बैल पर चढ़ के आगे आगे आवत बाण, लेकिन वो दुल्हा नहीं खे बाबा। लेकिन भैया भयल का नौवा ओके पूरी जानकारी हो बा। कहत का हो तर्ज पहुपट से मास्टर। अरे सुन सखियन के बात बनौआ नौआ बोलेला, अरे आवत हौए भोले के बेटौआ नौआ बोलेला। लड़का का सवारी मूस कहो, वो कहीं धीरे धीरे आवत हुई, तब तक दिखाई दे देने बहुत दूर बाबा। अब सखी लोग देखली ते कहली का बा। यारे ये है दुल्हा राजा खोजे बाबा, हम के नाही भावेला। अरे मूस पर सवारी कई के
सबसे पीछे आवे। अरे हाथी ऐसन मुंह लहले लटकौआ नौआ बोले ला। अरे बाबा रे बाबा हुए पेट फुलौआ नौआ बोले ला। हाथी जैसन मुंह बोदर जैसन पेट बाऊक बा। लेकिन ए भैया यही बीच में भयल का आए। अरे मोर रामा अब यही एक बिलरिया हो देखत बिलार के मुसवा तुरत भागल बाय। भैया एक बिलार निकल गई रास्ता में गणेश जी के और जब चूहा मूस देखले बाय कि अरे तो हमारे दुश्मन आ गए। ये ना सोचलस कि हमारे शरीर पर कई मन का वजन हो झटक के गणेश जी के धैले से अपन रास्ता की भखड़ परो ऐसन बरात अपन जान देव हम छोड़ो जाते। लेकिन भैया अब गणेश जी पूरा सफाई कैले बेचारू है धूर में लौट गई हाथ अठे गुना छिलाए गए उनकर पहले ही साइड बिगड़ गए। लेकिन भैया भयल का यहवर गणेश के रास्ता में अब यही एक बिलरिया हो देखत बिलार के मुसवा तुरत और भागल बाय नरिया। अरे गिरल गणेश चित्त होय भौआ नौआ बोलेला और दुल्हा के लागल बाटी घौआ नौआ बोलेला। संभालते हुए गणेश जी उठते हैं और कुछ देर के बाद जब पहुंचलन हो तो हल्ला मच गल के अरे आ गए दुल्हा आ गए। अरे भैया मन जो थे जा चला आ गए दरवाजा पर परछन होखो बाबा। अरे सुंड घुमावत खड़े द्वार पर श्री गणेश जी अविनाशी और सहुआ इन परिछन को आई दुल्हा कैलन सत्यवती का नचरा सुंदर सुंड घुरे शंकर हासी और साखी भागी सढ़ुआ इनकी अकर के छाती उछासी। अब सत्यवती अपन मूसर घुमावत थी ऊपर से और नीचे गणेश जी का सुन जोन बाय तन टकटोरत बाय छटक के भाग जात बानी कि अरे बाप रे बाप दूल्हा तो बड़ा बेईमान बदमाश लौकत बाय। लेकिन भैया भयल का तर जा गई मास्टर कि हंसी हंसी सखिया अरे सब मारे अखिया गईला परात जनवा सो अच्छा नोगल भैया बरात जनवासा में गई अरतिया के दुलाहा मालाउवा में गई होने लगा भारी उपहार जब
कुछ देर रात बीतल हो तो बोलाहट आ गई कि नहीं अब शादी के लिए मड़वा में चले के हो। मड़वा में गए लोग तो माता बहन भैया अपन पहले ही से तैयार रहेगी। वाह, लेकिन एक कर्ज लगल मास्टर का। अरे डलवा देखी जिनी भूली हाय बाबा डलवा हो ये माननिया। अब पता ना कहां से इतनी बढ़िया बढ़िया गीत निकाल ले। शादी ब्याह में जैसन जैसन अवसर आवला वैसन गीत गाते हैं। बाबा का कहती जब सेनुदान का समय आई है तो भैया आजा। अरे हाई दुल्हा, अरे ई दुल्हा, अरे सेनुरा डाला ही ना जाना नीचे। और जब नीचे उतर गल तो नौनिया का गोर धर के ऊपर चढ़े लगे। जब वो ठंडा लगल हो बाबू तो ना देखत हो कि नहीं कहा कलसा रखल बा, कहा परात रखल बा, कहा पंडित जी बाड़े, कहा के बा। उछड़ गई पंडित जी के कूल्हा पर, वो बेचारू लौट गई नहीं हुई। लेकिन भैया भैल का अरे बतिया ये कहू न माने कर्मकांड होते रहे। आ गणेश जी के जो साला सुदक्षण रहे वो चार छह महीना या गवे के निकल है पर ढूंढे खातिर अपने बहनिन के। वही हाँ वही मौका पर लवट आयल। और जब लवट के आयल हो बाबू तो भयल का धरल आल्हा से मास्टर बा।
खुशी सब भैले गणेश जी भैया भैल का कलश के अरे बाप रे बाप है कुंडा मतिन पेट आ हाथी के सूंड वाला दुल्हा से हमरे बहनी का शादी होई ठेल के उनके एक कोठरी में बंद कर दिले लेकिन आगे भैल का भैया आए हैं अरे डरिया कचू कल जैसे झंखला पनरवर भैया चुकल है मांग तोहरे बहिन के भर देले है अब झगड़ा झंझट कैले से कोनो फायदा ना। लेकिन आखिरी कड़ी में मास्टर बात आगे बढ़ गई पापी सरवाए राम पापी सरवाए राम पापी
पापीसरवा समझावत में कि भैया जौन हो गल तो ने के भुला जा कहे करे सरे सुनो सुदक्षण अब तेरी मत क्यों मारे अरे तेरे बहन को पड़ गया सिंदूर अब बन गई नारह मारी अरे तो बाबू भैलन तोर ससुरवा पापी सरवा लेकिन सुदक्षण माना नहीं कैलस का कि मगर न माना सुदक्षण झटान गला सा मारा अरे लगा भाल पर गला सजी के चलाई खून कई धारा अरे तो लूटे बहिर कैसे नहुरावा हो पापी सारा गणासा तैयार करके और गणेश जी के माथा पर चलाए दहला खून के धारा बहे लगल तब तक भोले बाबा का निगाह पड़ गेल की अरे तो बेटा का जान ले लेला कैलन का कि ले त्रिभुवन तब दौड़े त्रिशूल गणेश साला को दिए पछारी अरे प्राण दान मांग सुदक्षण गलती नाथ हमारी अरे देवता पर सैकुल हजारा वारे पापी सारा भगवान भोलेनाथ आवेश में आकर के हाथ में त्रिशूल उठा करके जब गिरा के जब छाती पर त्रिशूल लगाऊं तो हाथ जोड़ ले कि नाथ गलती हो गई अब क्षमा कर दीजिए जान मेरा छोड़ दीजिए। देवता लोग घबरा के लेके रे भगवान भोलेनाथ आवेश में आज ही तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। प्रकट होई के कैलन का कि प्रथम पूजा होगा गणेश का देवता वरदान सुनावे अरे प्रगति माँ गौरी गणेश के सिर पर दवा लगावे अरे ते अपने मांगी कै सिंदूरावा हो पापी सरावा देवता वरदान देने की है गणेश जी आप सबसे पहले पूजा हो ले तो दूसरे के पूजा हम अंक हुई। आप लोग देखत हुआ कि हिंदू धर्म में हिंदुस्तानी कोई भी पूजा करता है तो सर्वप्रथम गौरी गणेश की स्थापना करके ही उसको टिक करके क्योंकि गौरी माँ ने प्रकट होकर के दवा के रूप में वो अपने मां का सिंदूर लगाया था। तो गुरु भी तुमको पूजे रामलाल बच्चन जी अटूट नाता बाबा तुमको पूजे रामलाल बच्चन जी अटूट नाता अरे रामलाल गुरु बच्चन चंद्रिका भेद कोई ना पाता अरे बरतिया आई नोखे कर सकी तो कहते तहसीलदार दुश्मन के फाटे छतिया बरतिया आई नो